इंडिया में होती है। और नालायको, उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देखो, उस मुल्क में उसका उसका उसकी $2 trillion की इकॉनमी है, और कौन सी गाड़ी है जो वहां नहीं बन रही, कौन सी दवाई वहां नहीं बन रही, आईटी का कौन सी बात बनी, और नालायको और नालायको कुछ ख्याल कर लेते। आपको इंडिया की एक और बहुत बड़ी अचीवमेंट बताता चलूं गाइस, इंडिया ने इस साल के अंदर 150 से ज्यादा कंट्रीज को अपने चावल प्रोवाइड कर दिए। गाइस इंडिया अपनी टेक्नोलॉजी को यूज करके अपने किसान को रिलायबल कर रहा है, पाकिस्तान क्या कर रहा है? कितनी फोकसी तुम्हारी कि पूरी रियासत हजम करके भी अभी भूख खत्म नहीं हो रही। नालायको, हिंदुस्तान के साथ अगर आप कंपेयर करें तो उनके रेगुलर इलेक्शन होते हैं। जस्ट फॉर द मोमेंट आप इंडिया, यू मे हेट इट यू मे लाइक इट, इज नॉट इम्पोर्टेंट। एक ही दिन ये दो आजाद हुए थे ना, तो चार दफा मायावती जो कि बेचारी दलित है वो वोट लेके चीफ मिनिस्टर बनी यूपी की, विच इज एज बिग अ स्टेट एज द होल ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन। एक्चुअली तो काजी साहब आप कहते हैं ये इलेक्शन फेल करा के दोबारा जेलों में चले जाए। नहीं नहीं, मैं नहीं कहता कि किसी नहीं, को तो आप ये फसाना चाह रहे हैं, आप जान के नहीं, मैं तो एक और बात कर रहा हूं। इंडिया में होती है, और नालायको उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देखो, उस मुल्क में उसका उसका उसकी $2 trillion की इकॉनमी है, और कौन सी गाड़ी है जो वहां नहीं बन रही, कौन सी दवाई वहां नहीं बन रही, आईटी का कौन सी बात बनी, और नालायको कुछ ख्याल कर लेते, खा लेते हैं सामने कौन सा रोक रहना था, मगर इतनी भूख न जाने कब खत्म होगी। नहीं हो जाते खा कर आते नहीं, कितनी फुक्सी तुम्हारी कि पूरी रियासत हजम करके भी अभी भूख खत्म नहीं हो रही। नालायको कादी साहब, जो लोग करप्शन को डिफेंड करते हैं ना वो रब के अजाब को जवाब देते हैं। कहा जाता है राशि रिश्वत लेने और देने वाला जहन्नमी है। साहब सुन ले, हम बुराइयों से बचने की कोशिश करते हैं जहन्नम में ना जाए, तो जो आदमी रिश्वत ले रहा है और उसको डिफेंड कर रहा है वो तो दुनिया में जहन्नमी है। मेरा एक और उसे जहन्नमी से क्या बेचने जाएगी, वो साफी है, सबसे पहले साफियों का इंतजाम। मैं तो इसको शहबाज शरीफ साहब खुदा के वास्ते कुछ साफियों ये लगड़ बगड़ को भी पकड़े, सबसे पहले मुझे पकड़े। एक्चुअली 14 अगस्त इज नॉट व्हेन पाकिस्तान रियली बिकेम एन इंडिपेंडेंट डोमिनियन, इट इज द 15th। लेकिन रात के 12 बजे तक सारे पाकिस्तान के अंदर अभी ब्रिटिश राज था, ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है 15 को, और पहले 2 साल पाकिस्तान 15 अगस्त को ही अपने इंडिपेंडेंस अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता रहा है, बाद में हमने 14 अगस्त की है। सेलिब्रेशन 14 को हुई थी, लेकिन ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम द ब्रिटिश टू द पाकिस्तानी हैंड्स टू प्लेस ऑन द 15th of August। तो इस तरह इंडिया का भी 15 को ही हुआ था कि उनका फिर 16 को हुआ ट्रांसफर? नहीं नहीं, उनका देखना वो 14-15 को हो गया ना, 14 की रात को जब 15 हुई तो तभी तो पंडित नेहरू की मशहूर वो स्टेटमेंट है, एट द ड्रॉप ऑफ पता नहीं मिड नाइट व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया अवेकन्स, सो ऑन। ये जवाहरलाल नेहरू की फेमस स्पीच है वो, व्हेन 14 बिकेम 12 दैट इज व्हेन ही स्टार्टेड सेइंग ऑल दैट। ओके, हम जमहूरियत में एक फेलियर है। हिंदुस्तान के साथ अगर आप कंपेयर करें तो उनके रेगुलर इलेक्शन होते हैं। जस्ट फॉर द मोमेंट आप इंडिया, यू मे हेट इट यू मे लाइक इट, इज नॉट इम्पोर्टेंट। एक ही दिन ये दो आजाद हुए थे ना, तो चार दफा मायावती जो कि बेचारी दलित है वो वोट लेके चीफ मिनिस्टर बनी यूपी की, विच इज एज बिग अ स्टेट एज द होल ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन। लेकिन उसकी जो